सेशंस है उसकी रिकॉर्डिंग भी सर शेयर नहीं हुई, तो हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें मिस्टेक फिर हो जाते हैं हमसे, तो काइंडली अगर वो भी आप शेयर कर दें तो। एक्चुअली आज मैंने गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दिया है, सिर्फ लिंक जो है तो मैं भी इस क्लास के बाद आपसे शेयर कर दूंगा, जो आज की वीडियो है ये भी उसमें अपलोड कर दूंगा और वो लिंक शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी वो मैंने अपलोड कर दी है गूगल ड्राइव पे, सिंपली आप वहाँ पे जाके उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि कल हमने QoS पे काम किया था, बैंडविड्थ मैनेजमेंट पे काम किया था। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक जो है वो है हाई अवेलेबिलिटी या लोड बैलेंसिंग। अब नॉर्मली सॉरी ओके जी, तो हमारी जो आज का लेसन है वो हाई अवेलेबिलिटी पे है और इसके जो प्रोटोकॉल या जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो कॉमन एड्रेस रिडंडेंसी प्रोटोकॉल या कार्प जिसको कहते हैं, फेल ओवर प्रोटेक्शन के लिए पीएफ सेंस में इसके टर्म ये यूज़ होती है। बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि आप अपने नेटवर्क पे मोर देन वन पीएफ सेंस सर्वर सेटअप करते हैं ताकि इन केस ऑफ एनी फेलियर, अगर आपका सर्वर डाउन हो जाता है पावर की वजह से, कोई हार्डवेयर फेलियर की वजह से, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है वो आपके दूसरे सर्वर के थ्रू पास ऑन होने शुरू हो जाती है और आपका नेटवर्क पे डाउन टाइम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है और एंड यूज़र को भी इस चीज़ का यानी रियलाइजेशन नहीं होती कि ये कोई सर्वर डाउन है या क्या है, ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस होता रहता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी वो आज के हम इस क्लास में करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं अपने मशीन के ऊपर। अच्छा जी, HA के लिए सबसे पहले आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एक से ज़्यादा सर्वर यानी दो सर्वर हों जो और रिडंडेंसी में आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हों, प्लस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए दोनों सर्वर्स में एक जैसे हार्डवेयर होना चाहिए। लेट्स से एक सर्वर में आपके पास तीन नेटवर्क इंटरफेस हैं तो दूसरे सर्वर में भी होना चाहिए ताकि सेम सेटिंग के साथ जो एक सर्वर आपने अपने नेटवर्क में कनेक्ट किया है दूसरा सर्वर भी उसी तरह से आप अपने नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए अभी जैसे हमारे पास ऑलरेडी पीएफ सेंस हमने एक सेटअप किया हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास एक पीएफ सेंस है और ये उसका लेन आईपी है, ये उसका वैन आईपी है, ठीक है। अब इसमें इसके साथ हमें एक और सर्वर भी चाहिए जिसको हम इसका बैकअप, ये हमारा मास्टर हो जाएगा और उसको हम एज ए बैकअप सर्वर वो करेंगे सेटअप करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पीएफ सेंस दूसरा इंस्टॉल किया हुआ है और उसको आईपी जो है वो डिफरेंट एक आईपी असाइन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसकी ये जो लुक एंड फील है थोड़ी सी चेंज रखी है ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हम किस सर्वर में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा सर्वर है जिसको हम एज ए बैकअप सर्वर सेटअप करेंगे और इसका लैन आईपी आप देख सकते हैं यहाँ पे 192.168.1.20, जबकि हमारा प्राइमरी या मेन जो सर्वर है उसका लैन आईपी 192.168.1.1। अब डिफ़ॉल्ट
जो आपके नेटवर्क का गेटवे है लैन की साइड पे, यानी एंड यूज़र जब आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं थ्रू डीएचसीपी या मैनुअली, तो उसमें आप गेटवे अभी की सिचुएशन में आप देंगे कोई भी उसको डिफ़ॉल्ट डीएचसीपी से आईपी मिल जाएगा, लेकिन उसका जो डीएचसीपी होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग में इंटरफेस की, आईपी वगैरह की सेटिंग में चेंज करनी है कॉन्फ़िगर करने के लिए हाई अवेलेबिलिटी। उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं इंटरफेस में और लैन की सेटिंग में चले जाते हैं। लैन में हमने एक चीज़ चेंज करनी है, अभी ये इसका IPv4 एड्रेस 192.168.1.1 है, इसको मैं चेंज करता हूँ और इसी सेम नेटवर्क में इसको मैं आईपी इसका चेंज कर देता हूँ 192.168.1.0 कर देता हूँ, यानी 10 कर देता हूँ सिंपली, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। अब चूंकि इसका डिफ़ॉल्ट आईपी लेन का जो हम जिससे ये इंटरफेस एक्सेस कर रहे हैं 1.1, वो चेंज हो गया क्योंकि हमने उसको चेंज किया है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं अब इसका जो लेन आईपी है वेब इंटरफेस का, वो अब जो नया वाला है वो इंटर करके दोबारा से इसको लॉग इन करूँगा। ठीक हो गया जी, अब आप यहां देख सकते हैं इसका आईपी हमने चेंज कर दिया 192.168.1.10, और जो दूसरा हमारा पीएफसेंस है उसका आईपी है 192.168.1.20। अब एक चीज़ ये हमारी हो गई, सेकंड आ जाते हैं हम हाई अवेलेबिलिटी पे। सबसे पहली चीज़ है सिंक्रोनाइज स्टेट्स, कि आप दोनों फायरवॉल्स के दरमियान जो चीज़ें हैं सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं उसके लिए आप इसको इनेबल कर देंगे, सिंक्रोनाइज इंटरफेस। अच्छा, इसमें देखें आपके पास जो इंटरफेस पीएफसेंस में अवेलेबल होंगे वो आपको शो करेगा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो लैन नेटवर्क है उसी को यूज़ करते हुए आप इन दोनों सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज करें, या फिर इसमें एक एडिशनल इंटरफेस इंस्टॉल करें, सेटअप करें दोनों को, और दोनों को एक वो जो इंटरफेस होंगे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर दें। तो वो दोनों तरीके, उसमें ये होगा कि आपका नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं होगा और सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क जो लैन है उसके अलावा डायरेक्टली एक डेडिकेटेड लाइन के ऊपर दोनों के दरमियान हो सर, सके। जी ये जो सेकंड बैकअप सर्वर है तो जी इसमें भी दो इंटरफेस कार्ड्स होंगे, वन फॉर वैन एंड वन फॉर लैन। जी मैंने शुरू में जैसे कहा कि ये नेटवर्क जो भी आपने सर्वर लेने हैं वो हार्डवेयर के हवाले से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल से मुराद स्पेशली नेटवर्क इंटरफेसेस, अगर एक में आपके पास तीन नेटवर्क इंटरफेसेस हैं तो दूसरे में भी आप तीन इंटरफेसेस रखेंगे और एज इट इज़ उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अदरवाइज ये होगा कि अगर एक में आपके पास सिर्फ दो इंटरफेस हैं दूसरे में तीन है या चार हैं, तो डेफिनेटली वो जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होंगी, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेहतर उसमें यही होता है कि जिस तरह का एक सर्वर आपने सेटअप किया सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप दूसरा सर्वर भी सेटअप करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें हम यानी आपको मैं ये बता रहा था कि दो चीज़ दो तरीक़ों से, या सिंपल जो ऑलरेडी आपके पास नेटवर्क है लैन उसको यूटिलाइज़ कर लें, या फिर आप जो है एडिशनल एक नेटवर्क इंटरफेस दोनों में इंस्टॉल कर लें और उस दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पियर आईपी एड्रेस, यानी जो दूसरा आपका सर्वर है उसका आईपी आप इसमें देंगे। अब हमारा दूसरा सर्वर है जो उसका आईपी है 192.1.1.20, ठीक है, ये आप दे देंगे और इसी को मैं कॉन्फ़िगरेशन सिंक करने के लिए भी सेम आईपी है, ठीक है। अब जो रिमोट सिस्टम है यानी दूसरा जो सर्वर है जो बैकअप हमारा सर्वर है उसके यूज़र का एडमिन का
पासवर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन सिंक्रोनाइज एडमिन का है, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में है कि इसको सिंक्रोनाइज ना किया जाए ताकि दोनों के पासवर्ड अलग अलग हों, कि इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट आपके पास सिर्फ एक जैसे यूज़र नेम और अकाउंट की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट ना आए। फिर उसके बाद ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं दोनों सर्वर्स के दरमियान। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है या लोग जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इस चीज़ की, वो यही है कि सारे के सारे सिंक्रोनाइज हो ताकि आपका एक सर्वर डाउन होता है तो उसकी कोई भी सर्विस दूसरे में अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके लिए सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट करके इसको हमने सेव कर दिया और पासवर्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये पासवर्ड। तो सर ये जो प्रोसीजर सर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये हमें दूसरे सर्वर के सॉरी पीएफएसएन सर्वर के ऊपर भी यही प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा तो तब ये काम नहीं, करेगा सिर्फ एक दूसरे पर? तो नहीं नहीं, ये इस तरह से नहीं है, ये अभी हम आगे चलेंगे, आप देखेंगे कि दूसरे पे फुल हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये हमने पासवर्ड का वो शायद मिसमैच हो गया था, वो मैंने दोबारा दे दिया, उसको सेव कर दिया। अब इसको चेक या वेरीफाई कैसे करते हैं? सिंपल सी एक चेक कर लेते हैं सिंपल एक तरीके से। अब जैसे ये DHCP की सेटिंग्स हैं, इसमें DNS सर्वर 888 समथिंग लाइक दिस जो बैकअप सर्वर है उसमें दिया गया है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सेटिंग क्या है 888। लेट्स से मैं किसी वजह से इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, DNS मैंने जो हमारा प्राइमरी है उसमें मैं इसको चेंज कर दिया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप चेंजेस एक सर्वर में करेंगे तो दूसरे में उसकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है वो सिंक्रोनाइज कैसे हों। ये करने के बाद इसको मैं यहाँ ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ये जो है DNS जो हमने प्राइमरी में चेंज किया था वो सेकेंडरी में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है कॉन्फ़िगरेशन है वो काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा ये अब इसमें एक चीज़ और करनी है। अब आपके पास दो सर्वर हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं, उनके DHCP भी चल रहा है, तो वो डेफिनेटली मे बी के नेटवर्क में कोई कन्फ्लिक्ट या कोई इस तरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। अभी हम देखते हैं कि जो ये LAN के ऊपर हमारा ये सिस्टम है इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसको बल्कि इसको डिसेबल इनेबल करके मैं इसके IP वगैरह रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब दो DHCP सर्वर चल रहे हैं, तो इस वक्त उसने गेटवे ये उठा लिया है और DHCP सर्वर ये उठा लिया है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और दूसरा लोड बैलेंसिंग को प्रॉपर करने के लिए कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरा उसकी जगह पे काम करना शुरू हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फायरवॉल में आएंगे और वर्चुअल IP में आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे।
अब इसमें वर्चुअल आईपी के डिफरेंट टाइप्स हैं, चूँकि हम इस वक्त कार्प या कॉमन एड्रेस प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने सेलेक्ट करना है कार्प, और यहाँ पे इंटरफेस हमारा होगा लैन, ठीक है, क्योंकि हम लैन के ऊपर वो कर रहे हैं। और इस पे हम एक ऐसा आईपी दे देंगे कि जो सारे नेटवर्क के लिए कॉमन होगा, यानी उसमें 10 और 20 का जो डिफरेंस आ रहा है, जो दो मल्टीपल आईपीज आ रहे हैं, तो उसकी जगह पे हमने इसको 192.168.1.1 दे देते हैं, और इसका सबनेट जो है वो कर देते हैं 24, ठीक है। इसका कोई पासवर्ड भी असाइन कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेव, और इसको कर देते हैं अप्लाई। अच्छा, ये हो गया। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं, कार फेल ओवर। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये आपका मास्टर नेटवर्क है, मास्टर सर्वर है, जो आपका प्राइमरी सर्वर है। और अब सेकंड वाले में हम जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कार्प। अब ये देखें, यहाँ पे वर्चुअल आईपी वही इसको भी असाइन हो गई है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस सिंक्रोनाइज हो रही हैं, लेकिन इसका स्टेटस बैकअप है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं अपने नेटवर्क में और इसको डिसेबल इनेबल करते हैं। आज कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है, काफ़ी स्लो है। ओके, अभी हम सेटिंग देखते हैं कि इसकी हमें जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो 1 आ गया हमारे पास, और डीएचसीपी सर्वर जो है 1.20 की बजाय उसने 1.0 उठा लिया है, और इसी तरह वो जो डीएनएस और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो अब ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस आप जब मैन्युअली भी नेटवर्क पे किसी आईपी को, किसी सिस्टम को यानी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 देंगे, तो वो इंटरनेट उस सिस्टम पे काम करेगा। अच्छा जी, तो अब इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि अगर आपका एक सर्वर डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी इंफॉर्मेशन या ट्रैफिक जो है वो सेकेंडरी सर्वर पे शिफ्ट हो जाती है, और नेटवर्क वगैरह आपका चलता रहता है, उसमें कोई डाउन टाइम नहीं आता। अब उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, ऐसे करते हैं कि हम इसमें जो हमारा मेन सर्वर है इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये शट डाउन हो रहा है, ये इसको ऑफ कर देते हैं।
अभी मैं इसको डिसेबल करके दोबारा इनेबल करता हूँ। होपफुली इतनी देर में तो सिस्टम ऑफ हो गया होगा। अभी आप देख सकते हैं कि DHCP सर्वर चेंज हो गया है, 192.168.1.10 की जगह 20 हो गया है। हमारा मेन जो सर्वर था वो डाउन हो गया, और अब हम चेक करते हैं इंटरनेट को कि क्या हमारा इंटरनेट जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट चल रहा है, एक हमारा मेन सर्वर डाउन होने के बावजूद जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली राउट होके सेकंड सर्वर जो है उससे चलना शुरू हो गई है। और अभी इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे आपको ये देखें, इसका जो स्टेटस है वो बैकअप से ऑटोमेटिकली मास्टर पे चला गया है। इसका मतलब है कि जो हाई अवेलेबिलिटी जो हमने कॉन्फ़िगर की है वो प्रॉपरली काम कर रही है। अगर आपका मेन सर्वर डाउन हो जाता है तो जितनी भी ट्रैफिक जो उससे राउट हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली जो हमारा मेन सेकेंडरी सर्वर है उससे होना शुरू हो जाती है अगर वो डाउन हो जाता है। अभी मैं उस सर्वर को दोबारा से ऑन करता हूँ। चलिए थोड़ी देर में ये सर्वर हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी ये इसका स्टेटस जो हमारा सेकेंडरी सर्वर था 192.168.1.20 इसका स्टेटस मास्टर है। जैसे ही हमारा मेन सर्वर ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसका जो स्टेटस है वो दोबारा बैकअप में चला जाएगा, और जो हमारा मेन वो है वो फिर मास्टर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये HA की कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर मोर देन वन सर्वर आपके पास है और आप नेटवर्क पे उसको इस तरह से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि आपका नेटवर्क डाउन ना हो, और एक अगर किसी वजह से डाउन होता भी है तो वो आप ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे सारी सर्विसेज शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये हम सर्वर हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे उसका स्टेटस कार्प का जो है वो मास्टर शो कर रहा है, और इसको अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फिर बैकअप पे आ गया। तो ये हमारे जो है हाई अवेलेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन है कि मोर देन वन सिस्टम आप किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
अच्छा, इस चीज़ की समझ आ गई। अगर कोई चीज़ कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर लें, फिर नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, कल हमने जो टॉपिक किया था क्वालिटी ऑफ सर्विस का, बैंडविड्थ मैनेजमेंट का, उसमें एक चीज़ मुझसे रह गई थी, उसी को कर लेते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आमतौर पे आपने पीएफसेंस सेटअप किया, आपके पास उसमें दो या तीन इंटरफेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपका लैन है, एक आपका मेन है, और एक आपका डीएमजी या वायरलेस नेटवर्क के लिए कोई सेपरेट आप नेटवर्क बनाना चाह रहे, वो हो सकता है, या किसी और रीज़न के लिए आपने नेटवर्क। लेकिन कंपनीज में या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आमतौर पे एक इंटरनेट कनेक्शन पे रिलाय नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटरनेट कनेक्शन है, सॉरी, एक इंटरनेट कनेक्शन है और वो सर्विस किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क आपका इंटरनेट से रह जाएगा और कोई काम भी नहीं हो सकता। उसके लिए आमतौर पे मोर देन वन इंटरनेट कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आपका ऑलरेडी एक नेटवर्क इंटरफेस जो है आईएसपी के साथ कनेक्ट है और वो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसकी आप केबल वगैरह निकाल दें और दूसरे किसी कंपनी का आपके पास इंटरनेट है और उसकी केबल लगाएं और उसका इंटरफेस दोबारा से उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करें और आपका नेटवर्क दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मैनुअल काम में डेफिनेटली टाइम लग सकता है आपको, ये पता लगने में भी टाइम लग सकता है कि इंटरनेट डाउन है। थोड़ी देर में कोई आपको इन्फॉर्म करेगा या आप खुद कहीं पे चेक करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जी ये इंटरनेट डाउन है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास लोड बैलेंसिंग के हवाले से, जो इंटरनेट की लोड बैलेंसिंग है, वो भी हम पीएफसेंस में कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली काम करेगी। अगर एक इंटरनेट कनेक्शन आपका डाउन हो जाएगा तो वो सारी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरे इंटरनेट कनेक्शन पे शिफ्ट कर देगा। इसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो इंटरनेट कनेक्शन हो। अब जैसे डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये नेटवर्क का जो कनेक्शन था, इससे पे इंटरनेट आ रहा था, ये उसका आईपी है। इसी तरह मैंने एक और इंटरफेस भी, क्योंकि वर्चुअल मशीन थी, मैंने एक और इंटरफेस भी ऐड कर दिया जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट था, तो मेरे पास एक और आईपी और उसका नेटवर्क भी आ गया। बेसिकली वो एक ही नेटवर्क पे हैं, लेकिन यहाँ पे पीएफसेंस के लिए दो अलग अलग इंटरफेस हमारे पास आ गए। तो एटलीस्ट आपके पास दो इंटरफेसेस हो वैन साइड के, ताकि उसको हम इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकें कि वो लोड बैलेंसिंग में काम करें। अगर एक इंटरफेस डाउन हो जाए तो दूसरा इंटरफेस ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इधर सिस्टम्स में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है राउटिंग। अब राउटिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास दो वैन इंटरफेसेस शो कर रहा है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब नॉर्मली जितनी भी आपकी ट्रैफिक राउट हो रही है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसके थ्रू हो रही है, यानी अगर यहाँ पे ये जो मैं वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा हूँ, तो वो जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, ये आप यहाँ पे, ये वैन इंटरफेस के ग्राफ मैंने वो कर दिए। आप देख सकते हैं कि एक इंटरफेस यूटिलाइज कर रहा है, 50K तक चला गया है, लेकिन जो वैन टू है हमारा, वो उसमें ट्रैफिक जो है 2K 1K ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। ये ग्राफ का साइज़ थोड़ा सा इस तरह से है कि फील नहीं होता, लेकिन अगर उसकी आप यूनिट्स देखें तो उसमें आपको पता चल सकता है। इवन अगर हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अभी आप देखें कि वैन जो हमारा वन है, इस पे ट्रैफिक फुल जा रही है, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है और हमारी ट्रैफिक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस जो गेटवे है उसके से ही
जा रही है, इसको मैं कर देता हूँ पॉज। अच्छा, इसके लिए हम आएंगे राउटिंग में। ये हमारे पास दो इंटरफेस हो गए, गेटवेज हो गए। फिर ये आ गया हमारे पास गेटवे ग्रुप, इसमें हम करेंगे ऐड। गेटवे को नाम दे देते हैं लोड बैलेंसर, ठीक है। अब इसमें गेटवे आप दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो दोनों आपके इंटरफेस एक्टिव होंगे, लोड बैलेंसिंग में होंगे, जो ट्रैफिक जो इंटरनेट यूज़ होगा दोनों में इक्वली डिवाइड होगा और दोनों को यूटिलाइज करेगा। या फिर आप इसको फेल ओवर में सेटअप कर सकते हैं कि एक आपका इंटरनेट कनेक्शन चलता रहेगा, दूसरा उस वक्त चलेगा जब आपका फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाएगा। तो इन दोनों की सेटिंग देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। पहले हम लोड बैलेंसर देखते हैं। इसमें अगर आप दोनों को एक ही टेयर में रखेंगे, यानी एक ही ग्रुप में रखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस में काम करेगा। अगर आपके पास चार पांच वैन हो और आप उसको तरतीब में रखना चाहें कि पहले ये वाला यूज़ हो, फिर दूसरा ये हो, तीसरा ये हो, चौथा ये हो, तो उसके लिए आप टेयर फिर बनाते जाएंगे। टीयर वन है, ये टीयर टू है, ये टीयर थ्री पे है, ये फोर पे है, ये फाइव पे है। लेकिन अगर आप बैलेंस में चलाना चाहते हैं तो दोनों को एक ही टेयर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये किस तरह से बैलेंस में, अब यहाँ पे तो ये मेंबर डाउन पे लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हम दोनों एक ही टियर में यूज कर रहे हैं लिहाजा इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको सेव कर देते हैं। ओके जी, ये हमारा एक लोड बैलेंसर का ग्रुप बन गया, दोनों वन टियर पे हैं, ठीक है। अब दोबारा इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, और मैं दोबारा से इसको, ये जो डाउनलोड था हमारा, इसको दोबारा से वो करता हूँ। अगर अभी भी देखें आप, तो सारी ट्रैफिक वैन पे जा रही है, वैन टू पे नहीं जा रही। इसका रीज़न क्या है? गेटवे तो हमने बना लिया, ग्रुप भी कर दिया, लेकिन इस गेटवे को आपने जो आपके फायरवॉल रूल्स हैं वहाँ पे भी डिफाइन करना होगा, तभी ये इफ़ेक्ट में आएगा। अदरवाइज़ बन तो गया है, आपने सेटिंग कर दी है, लेकिन वो इन यूज़ नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि फायरवॉल में जाते हैं, रूल्स में जाते हैं, और यहाँ पे जो लैन का हमारा वो है, ये जो डिफ़ॉल्ट एक ही मैंने रूल बनाया था शुरू में, इसकी सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। और इसमें डिस्प्ले एडवांस पे आप क्लिक कर दें, एक्स्ट्रा ऑप्शंस में। यहाँ पे ऑप्शन है गेटवे का और सेलेक्ट है डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे आपके पास दो या तीन बने हैं, लेकिन जो सेलेक्टेड एज डिफ़ॉल्ट है उसी को यूटिलाइज करेगा। इसको हम यहाँ पे सेपरेट सेपरेट भी जो इंटरफेसेस है उसको यूज़ करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको जो लोड बैलेंसर का हमने ग्रुप बनाया था उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं सेव और अप्लाई चेंजेस। ठीक हो गया, ये हमने इसके ऊपर, ये देखें यहाँ पे इसकी डिटेल में अगर देखें तो गेटवे में आपको लोड बैलेंसर शो कर रहा है और उसके इंटरफेस वगैरह का नाम वाम शो कर रहा है। अभी हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं ताकि वो ग्राफ जो है हमें शो हो। ठीक है, ये दोनों ग्राफ हैं, और मैं दोबारा वो जो डाउनलोड था उसको स्टार्ट कर लेता हूँ।
ये अभी भी एक पे ही जा रहा है। नहीं इसको कैंसिल कर देते हैं। ये भी जो है वो नहीं कर रहा, हमने शायद कहीं सेटिंग में कुछ मिसिंग है, ग्रुप है। इस वक्त दे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद कोई टेक्निकल इशू है, अगर मैं तो है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा है कि मैं भी, चूंकि मेरे एक्चुअली सारी एनवायरनमेंट वर्चुअल है और मेरा ये जो दोनों इंटरफेस है वो एक ही नेटवर्क से हैं, तो मैं भी कि ये रीज़न हो, क्योंकि सेटिंग तो सारी यही है और इसी तरह से होती है। आई डोंट नो कि अब ये क्या वो है, इसको मैं एक ठीक है, हम दो मिनट प्रैक्टिस में। करेंगे, अगर ठीक हो आपको फिर मैसेज करेंगे, अगर ये स्टेप हो तो कोई बात नहीं, हम रियल में प्रैक्टिस करेंगे। चलें आप लोग, आप इसकी ट्राई कर लीजिएगा और मैं भी देख लेता हूँ, अगर बाज़ोकात होता है इंसान से कोई स्टेप मिस हो जाता है या कोई एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग रह जाती है उस वजह से, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह कल आपको जो है इसके बारे में बता दूंगा कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। तो आज के लिए ठीक ये ठीक है जी। अच्छा, आज के लिए बस ये आज दो हमारे टॉपिक थे, एक तो हाई अवेलेबिलिटी का और ये लोड बैलेंसिंग, यानी बेसिकली दोनों लोड बैलेंसिंग है लेकिन वो सर्वर टू सर्वर है, और ये जो आपके इंटरनेट के कनेक्शन है उसकी लोड बैलेंसिंग है। तो इंशाल्लाह कल मैं इसमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये भी चेक करूँगा कि क्या किस वजह से है, वो भी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो जो लास्ट कल हमारी एक्चुअली क्लास है
कोशिश करूँगा कि जो जितने भी चीज़ें रह गई हैं जिस हद तक हो सकता है कल के क्लास में हम उसको कवर कर सकें। दूसरी बात इसमें यह है कि इंशाल्लाह क्लास ख़त्म आप लोगों की हो जाए, आप लोगों को इस कोर्स का कम्प्लीशन का इंशाल्लाह एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर इसकी वेरिफिकेशन के लिए लिंक भी मिलेगा। अगर कोई आप कहीं पे अप्लाई करते हैं या कहीं पे ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसको वो ऑनलाइन जो है वेबसाइट पे हमारी जाके वेरीफाई भी किया जा सकेगा। तो कल की इंशाल्लाह क्लास के बाद कोशिश मैं करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके जो टॉपिक्स हमारे रह गए वो कवर करने की कोशिश करें। अगर इन केस कुछ इस तरह का सेटिंग हुई कि कल कवर ना हो सका तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट एक क्लास एक्स्ट्रा भी कर लेंगे और वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह सब करेंगे। और सब क्लास का सॉरी आज कुछ इंटरनेट का भी इशू है, आवाज़ भी सही नहीं आ रही और ये सही से चल भी नहीं रहा। मैं मुझे आपकी समझ नहीं, आप मुझे मैसेज कर दें तो आसान हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।